प्रॉब्लम 166 में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर, है ना, 1 किलोमीटर पे हाइट पे एक्सेलरेशन ग्रेविटी वाला कितना सेम होगा, डेप्थ बतानी है किस डेप्थ पर जाकर सेम हो जाएगा, राइट। तो पहले ये अंदाज़ा लगा लेते हैं अपन कि जो हाइट दे रखा है बच्चों, ये काफ़ी कम दिया है अपन को रेडियस ऑफ अर्थ से, है ना। और हाइट का एक्सप्रेशन और डेप्थ का एक्सप्रेशन इस पर्टिकुलर, जब डिस्टेंस से काफ़ी कम होता है ना, रेडियस से काफ़ी कम डिस्टेंस हो जाता है, तब ऐसा कुछ समझते हैं अपन लोग कि ग्रेविटी एट हाइट एच इज इक्वल्स टू जी लिखते हैं 1 माइनस 2 एच डिवाइड बाय आर। सिमिलरली अगर अपन बात करें डेप्थ पे जाके, तो ये हो जाता है जी 1 माइनस डी डिवाइड बाय आर। दोनों फॉर्मूले हैं डेरिवेशन बेसिक वाले, जब डिस्टेंस काफ़ी कम होती है। हमसे कहता है ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या है कि ये टर्म और ये टर्म साथ में होनी चाहिए, तो आंसर यही मिल जाएगा 2h डिवाइड बाय r, ये बराबर होना चाहिए d डिवाइड बाय r के, कैंसिल कर दो तो डेप्थ, राइट, वो आ रही है 2 किलोमीटर डेप्थ होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 सही जाएगा। बहुत इजी प्रॉब्लम है, इन दो फॉर्मूलों को लिखना है और समझना है कि दोनों बराबर होंगे और आंसर दे देगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम 167, दो ब्लॉक हैं यहाँ पे ए और बी, मासेस दिए हैं 3m और m, मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है बच्चों, ये है ना, ये वाला स्ट्रिंग मासलेस, ये पूरे सिस्टम को ना हमने स्प्रिंग के साथ भी जोड़ दिया है, और कहता है मैग्नीट्यूड बताओ एक्सेलरेशन का ए और बी में जैसे ही स्ट्रिंग को हमने कट कर दिया। दैट मीन्स इसको यहाँ से अपन इस तरह से कट कर देंगे, तो इन दोनों में कैसा एक्सेलरेशन आएगा। थेरेटिकली कट करने पर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी, और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो पहले इसको फ्री बॉडी डायग्राम से पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं बी के लिए बना रहा हूँ पहले डायग्राम, ये हो जाएगा एफ बी डी ऑफ ब्लॉक बी। आप ध्यान से देखो क्या दिख रहा है कि इस तरह का एक ब्लॉक है अपने पास जिसका खुद का मास एम है, तो डाउनवर्ड क्या आ जाएगा बच्चों, एम जी, क्योंकि स्ट्रिंग को पहले कनेक्टेड मान के चलते हैं, तो ऊपर की तरफ मिलेगा आपको टेंशन, और ये बिफोर कट की बात हो रही है, राइट। तो क्या लिखोगे आप लोग, टी माइनस एम जी, सस्पेंडेड है मतलब ये हो जाएगा जीरो, या डायरेक्ट इतना देखते ही अपन को लिखना था टी बराबर एम जी, है ना, यही शुरू करना था बच्चों, टेंशन की वैल्यू एम जी के बराबर है। अब कट करोगे तो क्या होगा, कट करते ही यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो, और प्रीवियसली यहाँ ऊपर की तरफ टेंशन होगा, यहाँ नीचे की तरफ टेंशन होगा, और आप कट करोगे तो उतना ही टेंशन रिवर्स ऑर्डर में दोनों को मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक कितना होगा, इस एक्सेलरेशन ऑफ बी हो जाएगा जितना भी फोर्स इसको पड़ रहा है, ये हो जाएगा टेंशन, नीचे की तरफ पड़ना शुरू हो जाएगा, कट करेगा तो दोनों इक्वल अपोजिट पेयर वाले काम करेंगे, तो टी डिवाइड बाय इसका मास हो जाएगा, तो ये हो रहा है बच्चों एम जी डिवाइड बाय एम, अपना आंसर आ गया है जी, और डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। सिमिलरली आप लोग अगर एक्सेलरेशन ए के साथ पढ़ने की कोशिश करोगे एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो वो हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए, इस पे जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है ना वही काम करेगा एक्सेलरेशन का, पहले वाले सब कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सस्पेंडेड रखा हुआ है ये, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा जो भी फोर्स लग रहा है मतलब टेंशन, और इसका जितना भी मास है, तो वो हो जाएगा 3m, आंसर होगा एम जी डिवाइड बाय 3m, दिस शुड बी जी बाय 3, और डायरेक्शन होगी इसकी अपवर्ड। ये अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए अपन और ज़्यादा एफबीडी को सॉल्व कर सकते थे, या इसको पहले समझते अपन और एफबीडी के इक्वेशन बना बना के सॉल्व करते, ये इजीएस्ट मेथड होता है बच्चों, ये कैंसिल होगा तो उतना ही दोनों को मिल जाएगा, ठीक है, इक्वल, हाफ करके नहीं, इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। अगर टेंशन जीरो है तो पहले जो टेंशन थी ना वो इसी से यहाँ डिसबैलेंस होगा ये, तो ए और बी का एक एक्सेलरेशन ऑफ बी का आंसर है जी, और ए का आंसर है जी बाय 3, ऑप्शन नंबर ए के लिए जी बाय 3, तो 1 सही जाएगा अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम 168 में रेशियो पूछा है अपन से वेवलेंथ का, है ना, ऑफ लास्ट लाइन, मतलब लाना है इसको अपन को इन्फानाइट से, थ्योरी की बात बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, बाल्मर सीरीज और लास्ट लाइन ऑफ लेमान सीरीज, राइट, मतलब बाल्मर लेमान को सॉल्व कर लेते हैं आंसर मिल जाएगा अपन को।
जब भी अपन रेड बॉक्स कॉन्स्टेंट को पढ़ते हैं तो लिखते हैं बच्चों वन अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा आर, ठीक है। जहां पर आता है ये, तो ये हमेशा एन टू का स्क्वायर माइनस एन वन का स्क्वायर होता है। ये बेसिक सा फॉर्मूला है। अब बाल्मर सीरीज की और लेमान सीरीज की बात कर लेते हैं, और दोनों का रेशियो पूछा है तो वो निकाल लेंगे। तो बाल्मर के लिए क्या हो जाएगा, वन अपॉन, है ना, ये सॉल्यूशंस चल रहे हैं अपने, वन अपॉन लैम्डा फॉर बाल्मर इज इक्वल टू आर। तो एक कांस्टेंट है बाल्मर का, मतलब है सब लोगों को आना होगा टू पे, और कहाँ से आएगा, लास्ट का मतलब होगा इन्फिनिटी के स्क्वायर से। तो ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आंसर आ रहा है बच्चों इसका आर डिवाइड बाय 4। और लेमान लिखते हैं, लेमान के लिए हो जाएगा वन बाय लैम्डा ऑफ एल, आर वैसे ही रहने दो, आपको कहाँ आना पड़ेगा, इसको वन पे आना पड़ेगा, एन एन की वैल्यू वन हो जाएगी, और कहाँ से आएगा, ये इन्फानाइट से आएगा। तो ये हो रहा है अपने पास आर। पूछा है इसने बाल्मर का वेवलेंथ और लेमान का रेशियो कितना होगा, दैट मीन्स लैम्डा ऑफ बी डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ एल कितना होगा, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो वन बाय लैम्डा है, और वन बाय लैम्डा ऑफ बी है लैम्डा ऑफ एल, तो इसको इससे डिवाइड करना होगा, तो ये ऊपर निकल आएगा, ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आर बाय वन डिवाइड बाय आर बाय 4, दिस इज 4, और ऑप्शन नंबर 2 अपना सही है, जो कह रहा है इनका रेशियो 4 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 169 में एक बीम ऑफ लाइट है अपने पास, सोर्स एल है, ये इंसिडेंट करता है नॉर्मली किसी प्लेन पर, प्लेन मिरर है यहाँ पे, एट अ सर्टेन डिस्टेंस एक्स। तो पहले ये समझ लो इसका एक रफ सा डायग्राम कैसा होगा, फिर अपन आगे बात करते हैं। एक प्लेन मिरर बना लेते हैं बच्चों, ठीक है, और एक लाइट का सोर्स एल अज्यूम कर लेते हैं, ये एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक। फिर कहता है द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द स्पॉट ऑन स्केल जस्ट अबव द सोर्स, दैट मीन्स कोई लाइट रे वगैरह अगर इस तरह से भेजोगे इस पे, तो बहुत कम डिस्टेंस पे ये इस पे जस्ट अबव रिफ्लेक्ट कर देता है। तो कहता है मिरर को अपन ने रोटेट किया स्मॉल एंगल थीटा पे, तो वो वाई डिस्टेंस मूव कर गया, अपन को एंगल बताना है ना, कितना एंगल होगा, स्मॉल एंगल थीटा से अपन ने मिरर को रोटेट किया। तो इसका नेक्स्ट जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, मिरर पहले तो अपने पास इस रेफरेंस पर रखा है बच्चों, इसको किसी एंगल से अगर रोटेट कर देता हूँ मैं, लेट से ये एंगल हो जाएगा थीटा, और मिरर आपका अभी ये बन चुका है, पहले लोकेशन इसकी एम कहलाएगी और अभी अपन इसको एम डैश बोल देते हैं। लेट अस अज्यूम दैट दिस प्लेस इज एल, वो लाइट रे अब यहाँ स्ट्राइक करेगा। आप लोगों को बताया जाता है कि अगर आपके पास मिरर है ना, रे ऑप्टिक की बात बोल रहा हूँ, मिरर को अगर थीटा डिग्री से रोटेट किया है ना अपन ने, तो जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा उसमें डबल का इफेक्ट आता है। तो थीटा अगर यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा 2 थीटा, उससे सेम डायरेक्शन में क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, अगर इधर जा रहा है तो इधर निकल जाएगा, ठीक। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि इस डिस्टेंस पे चला जाएगा, और एज पर क्वेश्चन ये इस पूरी स्केल पे, ये पूरा एक स्केल है, इस स्केल पर बच्चों ये इस एल से एक वाई डिस्टेंस पे शिफ्ट हो गया है, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स। इस थ्योरी को देखो, ये थीटा लिखा है तो अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, और ये ट्रायंगल लगा लेते हैं तो हो जाएगा अपना आंसर टेन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू वाई डिवाइड बाय एक्स। अब क्योंकि 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों, स्मॉल होगा, तो हो जाएगा 2 थीटा विल बी नियर अबाउट वाई बाय एक्स, और थीटा बोल सकते हो वाई डिवाइड बाय 2x। ये कंसेप्ट होता है बच्चों रे ऑप्टिक्स में, जब अपन रोटेशन ऑफ मिरर पढ़ते हैं, अगर आपने मिरर को थीटा से रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे डबल से इफेक्ट खाएगी, उसी के हिसाब से अपने आंसर गलत हो सकते हैं, ध्यान देना है वाई बाय 2x अपना आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा सही इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉब्लम 170 देखो, एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट के है, इसको 3 लेंथ में डिवाइड कर दिया है, 1:2:3, इन तीनों पोर्शंस को जब सीरीज में कनेक्ट कर रहा है तो कांस्टेंट बन रहा है के डैश, और जब इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है तो कांस्टेंट बन रहा है के डबल डैश। आपको बताना है के डैश के डबल डैश कितना जाने वाला है। तो बच्चों के डैश राइट, और ये हो जाएगा के डबल डैश, इसका मीनिंग है कि के डैश बन रहा है अपना सीरीज के साथ पढ़ने पढ़ने पर,
और के डबल डैश बन रहा है अपना पैरेलल के साथ पढ़ने पर, ये कितना होगा? कन्फ्यूजन हटाने के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब अगर किसी भी स्प्रिंग को इस तरह अज्यूम करोगे, लेट अज्यूम वी आर हैविंग अ स्प्रिंग जिसका लेंथ एल है और खुद का कॉन्स्टेंट के है ना, ये पुराना वाला स्ट्रिंग मतलब ओरिजिनली ये ऐसा रखा हुआ है। इसके तीन पार्ट करने हैं, 1, 2 और 3, 1:2:3। तो ध्यान क्या रखना है अपन को कि टोटल कितने इसके पार्ट होंगे, इन तीनों को ऐड कर दो तो आ रहा है 6। ठीक है, तो पहले वाले के पास जाएगा 1 times of L by 6। ठीक है, ऐसी एक स्प्रिंग बन जाएगी। दूसरे वाले इसके पास जाएगा, ये 2 लिखा है तो ये हो जाएगा 2 times of L by 6। और ऐसे ही जो थर्ड वाला होगा उसके पास हो जाएगा बच्चों 3 times of L by 6। यही करते हैं अपन जब रेशियो से बांटते हैं, पहले अपन जोड़ लेते हैं कितने होंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करते जाते हैं। इसके हिसाब से मिल रहा है अपने पास L by 6, L by 3 और यहाँ मिल रहा है L by 2। ये तीनों लेंथ होंगे। अब क्योंकि अपन स्प्रिंग के बारे में जब थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो किसी भी स्प्रिंग में जो के होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अब देखो प्रीवियस स्प्रिंग और कट करने के बाद जो तीन स्प्रिंग आ रहे हैं, तीनों के पास मटेरियल तो एक ही होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि के इनवर्स ऑफ एल का फंडा यहाँ पे लग सकता है। एल बाय सिक्स है, इसका मतलब क्या है, इस वाले स्प्रिंग का जो के वन होगा वो 6K होगा पुराने वाले के रिप्लेसमेंट में। सिमिलरली जो के टू हो जाएगा वो एल बाय थ्री है तो उसने ही फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, और ऐसे ही आपका जो थर्ड आ जाएगा उसको क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आपके पास तीन इंडिविजुअल स्प्रिंग्स आ गए, मतलब ये और ये, इनको लिख लेंगे अपन तो क्या हो जाएगा K1, ये हो जाएगा K2 और ये हो जाएगा K3। K1, K2, K3 को अपन ने ओरिजिनल स्प्रिंग के टर्म्स में लिख लिया है। यहाँ तक का समझ में अपन को आना चाहिए बच्चों। जब अपन पैरेलल के बारे में बात करेंगे है ना, इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करने के बारे में बात करेंगे, तो थ्योरेटिकली अपन को पता है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट एल्जेब्रिकली ऐड हो जाते हैं। दिस विल बी 6K+3K+2K, आंसर आ रहा है अपना 11K। और जब आप लोग सीरीज में कनेक्ट करते हो तो सोचो क्या होगा, लॉजिकली इन तीनों को कट करके साथ में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, दोबारा से वही बन जाएगा। यही है अपने पास आंसर। तो पैरेलल वाले को अपन ने के डबल डैश बोला था और यहाँ पे हो जाएगा के डैश, ये पुराना वाला के ही बन जाएगा। अब दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/11। यह आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1:11 इज द आंसर, K/11K। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जब कट करने के बाद वापस सीरीज से कनेक्ट करोगे तो ये तो पुराना स्प्रिंग ही बन जाएगा ना। ध्यान से देखो आप लोग, कट किया मैंने और उसको ऐड कर, ये वापस से बना दिया, जोड़ दिया मैंने सीरीज में, तो इसका ये आंसर बन जाएगा। और पैरेलल में अपन को ऐड करना होता है के टर्म्स को, और के पहले निकालना होगा आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 171 में इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखे हैं बच्चों, और किसी पॉजिटिव के चार्ज को ए से लेकर बी तक जाना है ना। तो देखो ए टू बी पाथ कवर करना है और यहाँ पे एक प्लस का चार्ज है, लोअर पोटेंशियल से जाना कहाँ है इसको, हाई पोटेंशियल पे, मतलब जो वर्क डन होगा वो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे वही हो रहा है, 10 से लेके 40 तक जा रहा है, यहाँ भी वही है 10 to 40। तो आप देख सकते हो कि सब में जो वर्क है वो एक ही टाइप का हो रहा है। मोर ओवर अगर अपन फॉर्मूले से जाएं तो वर्क डन कितना होता है, पोटेंशियल की वैल्यू होती है वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, और यहाँ पे वर्क डन निकाल सकते हैं अपन, ये होता है ΔV×Q। और ΔV का टर्म आप सभी डायग्राम में देखोगे तो सेम ही आ रहा है, सेम इन ऑल केसेस। इसका मतलब है वर्क भी सब में एक जैसा होगा। लिख सकते हो वर्क डन फॉर ए इज इक्वल्स टू वर्क डन फॉर बी इज इक्वल्स टू वर्क डन फॉर सी, और वही हो जाएगा वर्क डन फॉर डी। ऑप्शन 1 सही जाएगा बच्चों इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम 172 में कहता है कि चार्ज प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा चेंज होता है, एक के पास माइनस ई है इस कंडीशन में और एक के पास ई प्लस डेल्टा ई है। क्लियरली इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, प्रोटॉन की बात हो रही है। कहता है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दो हाइड्रोजन एटम के बीच में किसी डिस्टेंस दी जो कि ज़्यादा है एटॉमिक साइज से, वो जीरो बता रहा है। ठीक है, तो डेल्टा ई का ऑर्डर अपन को बताना है, बाकी चीज़ें गिवन है यहाँ पे, ये 10^-27 है बच्चों।
ध्यान क्या रखना है अपन को कि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लिखूं तो इलेक्ट्रॉन को ये अजम्पशन में लेना है माइनस ई, और यहाँ पर हो जाएगा प्रोटॉन, ये हो जाएगा ई प्लस डेल्टा ई। तो अगर इसके साथ अपन चलें और एक डिस्टेंस है जो काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है एटॉमिक रेडियस से, इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, दोनों प्रोटॉन्स की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स रिपल्सिव होगा दो हाइड्रोजन एटम पे। तो इसको एक स्कीमेटिक से पढ़ लेते हैं अपन। लेट अज्यूम दो हाइड्रोजन एटम हो गए अपने पास, जिनके बीच की डिस्टेंस बच्चों यहाँ पे डी दे दी है। ठीक है, कुछ इनके पास मास भी होंगे और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा उसी की वजह से यहाँ पर फोर्स क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स कैंसिल आउट हो रहा है। इसका मीनिंग है, आप लिख सकते हो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ड्यू टू अ स्लाइट डिफरेंस इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। प्रोटॉन की बात करना है, उन्हीं पे जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसी की बात बस करनी है। जैसे मान लो यहाँ पे डेल्टा ई का टर्म है और यहाँ पर भी क्या है, डेल्टा ई का टर्म है। ठीक है, और तो इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अवे लग रहा होगा और यहाँ पे पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा बच्चों, एक एफ ऑफ जी का टर्म होगा। तो आपको लिखना है यहाँ पर कि फर्स्ट चार्ज और सेकेंड चार्ज को मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई का स्क्वायर और ये हो जाएगा डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है जी फर्स्ट मास सेकेंड मास डिवाइड बाय डी का स्क्वायर। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं और यहाँ से डेल्टा ई देखते हैं कितना होगा, ये हो जाएगा एम बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर बचेगा जी बाय के। मास अपन को गिवन है 1.67 × 10²-27, ठीक है। और रूट के अंदर अगर अपन चल रहे हैं यहाँ पे तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है 6.67 × 10²-11 और के का टर्म होता है 9 × 10²-9। ये ऊपर जाएगा तो बच्चों माइनस का 20 बना लेगा, जो कि -9 हो जाएगा तो ये 20 बन जाएगा। और बाहर निकालोगे तो कुछ इस तरह का टर्म आएगा 1.67 × 10²-37 और रूट के अंदर है 6.67 और यहाँ बच रहा है 9। क्लियरली अपन को दिख रहा है कि इसका ऑर्डर कितना है ना, अपन से एक्यूरेट वैल्यू नहीं पूछी, उसने ऑर्डर पूछा है बच्चों। तो डेल्टा ई का जो ऑर्डर जा रहा है वो जा रहा है 10²-37 के, और ऑप्शन 2 यहाँ से सही जा रहा है। जो एक्सिस में चार्ज है ना बच्चों उसी से पढ़ना है, थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये, तो डेल्टा ई लेकर अपन को पढ़ेंगे तो अपन को आसपास इसके आंसर दिखने लगेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 173 में किसी फिजिकल क्वांटिटी में बच्चों लेंथ के डायमेंशन को सी जी और इस टर्म में पूछना है, राइट। ई यहाँ पे चार्ज है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो लेंथ का पता लगाना है। डायमेंशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है किसी क्वांटिटी को जब पढ़ते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये हो जाता है एम एल टी, और यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आते हैं तो मैं यहाँ एबीसी कर देता हूँ। कई बार क्वेश्चन वाला किसी क्वांटिटी को स्टैंडर्ड में ना किसी और के रिस्पेक्ट में पूछने को बोलता है, जैसे यहाँ पे इन तीनों के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, जैसा कहता है ना वैसा अपन को लिख देना है। मीनिंग ये है कि लेंथ है वो डिपेंड करती है, ठीक है, सी पर, जी पर और ई का स्क्वायर है, और यहाँ पे 4π ε₀ है। क्या इसका रिलेशन बन रहा है तो उसके ऊपर ए बी और सी लिख देते हैं अपन। ठीक है बच्चों, इस एल को अगर डायमेंशनली जाएंगे अपन लिखने, है ना, डायमेंशन की लैंग्वेज में अगर लिखेंगे तो क्या मिलेगा एल का टर्म, ये हो जाएगा m₀ l₁ t₀। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट अपन को पता होता है, m₀ होगा, l₁ होगा, t-1 होगा, और ऊपर यहाँ पे a आ जाएगा। g का मतलब होता है m लिखा -1, l³ और t-2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा b। इसके बारे में क्या करें, तो कूलम का इक्वेशन होता है फोर्स 1/4π ε₀, अगर इलेक्ट्रॉन से दो तो हो जाएगा e²/r²। देखो यही तो पूछ रहा है वो, तो इनडायरेक्टली एफ आर का जो डायमेंशन होगा वो इसके बराबर आएगा बच्चों। तो एफ का वैल्यू होता है mLT-2 और ये दो बढ़ा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ये टर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ तो आंसर आ रहा है अपना mL³ और t-2, यहाँ हो जाएगा c। ठीक है, इसको फिर से पढ़ते हैं अपन, तो m को देखो कहाँ कहाँ पे है, यहाँ तो मिल नहीं रहा है, ये हो जाएगा -b+c। l को देखो कहाँ कहाँ पे है, l हो जाएगा a के पास है,
ए प्लस ये हो जाएगा 3b प्लस ऑफ 3c। टी को देखो कहां पर है, माइनस ऑफ ए के साथ है, माइनस ऑफ 2b के साथ है और माइनस ऑफ 2c के साथ भी है। और यहां है बच्चों m0 l1 t0। अब लगा लीजिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वो कहता है सबसे पहले तो m को रिलेट करता हूं मैं, तो 0 की वैल्यू आ रही है माइनस बी प्लस ऑफ सी, जो सीधे ही बोल देगा आपको कि b बराबर किसके हैं, c के, राइट। b और c बराबर जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब l का टर्म जानना है अपन को, तो 1 किस किस के बराबर आ रहा है, ये हो रहा है a प्लस 3b प्लस ऑफ 3c, और ये हो जाएगा 0 बराबर आ रहा है बच्चों माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 2b माइनस ऑफ 2c, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं अपन और आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये माइनस का टर्म है और यहाँ पे माइनस का टर्म जा रहा है, तो देखो फर्स्ट तो अपन ने सॉल्व कर लिए, बी बराबर सी आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को बच्चों अगर ऐड कर दें यहीं पे अपन, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं सिर्फ इसी इतने इक्वेशन को ऐड कर दूं नीचे के दोनों इक्वेशन को, तो क्या मिल रहा है बच्चों, यहाँ तो आ रहा है 1, इससे कैंसिल हो रहा है और ये हो रहा है बी प्लस सी, ये हो रहा है बी प्लस सी, ठीक है। तो b प्लस सी 1 हो रहा है और b माइनस माइनस बी और प्लस सी कितना हो रहा है अपना, यहाँ पे 0 हो रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन को अब फिर सॉल्व करो, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी और 1 इक्वल टू बी प्लस सी, दोनों को फिर से ऐड करोगे तो आपको c मिल जाएगा 1/2, और वही चीज किसके बराबर हो जाएगी, b के बराबर। तो दो वैल्यूज मिल गई अपन को यहाँ से, b और c हाफ हाफ आ रहा है। इसको फिर से इक्वेशन में पुट अप कर दो, इस वाली इक्वेशन में, तो 0 बराबर कितना आ रहा है माइनस ए माइनस ऑफ 2, बी की वैल्यू आ जाएगी अपनी 1/2 और माइनस 2, और ये हो जाएगी वैल्यू 1/2। सॉल्व आउट करोगे तो ये तो माइनस वन बन रहा है, तो ए का टर्म आया माइनस में 2, एक आंसर ये है बच्चों, और बाकी के दो आंसर पहले ही सॉल्व हो गए अपने, ठीक है। इसका मतलब है जो लेंथ है उसकी प्रोपोर्शनैलिटी जो गिर रही थी अपने पास सी जी इसके टर्म में, तो सी जी और ई स्क्वायर बाय 4π ε का, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी की जगह पे अपन वैल्यूज को रख देते हैं। यहाँ पे ए का मीनिंग आ रहा है माइनस में 2, ठीक है। इन दोनों का मतलब तो बच्चों हाफ है और ये भी हाफ है, हाफ का मतलब है रूट में चले जाएंगे और ये नीचे आ जाएगा, तो ऑप्शन आ रहा है 1c² जी, और ये फोर्थ ऑप्शन सही जा रहा है। तो ये लेंथ के टर्म बना रहे हैं बच्चों, ठीक है। डायमेंशनली तो डायमेंशंस होंगे लेंथ के, इन तीनों को जोड़ोगे तो ये इस तरह से बन रहा होगा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4 अपना सही आ रहा है बच्चों, ठीक है। तीनों फाइंड करें अपन ने पहले तो प्रॉपरली इक्वेशन से, फिर अपना आंसर मिलने लगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम 174 में। यहाँ पे दो पोलराइट्स हैं अपने पास P1 P2, और इनका एक्सिस बच्चों आपस में परपेंडिकुलर है, राइट। अनपोलराइज दिया अपन ने I0 इंटेंसिटी का P1 के पास, ठीक। और एक तीसरा पोलराइड अपन ने P3 P1 P2 के बीच में लाके रख दिया। ध्यान रखना पहले P1 P2 है, दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, और फिर बाद में अपन ने क्या किया, P3 को लाके रख दिया जो 45 डिग्री बना रहा है अपने फर्स्ट वाले से। तो अल्टीमेटली अपन को बाद में गई हुई ट्रांसमिटेड लाइट बतानी है। ये क्वेश्चन अपना मलूज लॉ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मलूज लॉ कहता है जो भी बाद में इंटेंसिटी मिलती है ना, वो होती है पहले वाली इंटेंसिटी, और ये हो जाता है cos²θ। सिंपल सा एक लॉ है जो याद रखना है अपन को, ठीक है। इस इक्वेशन को अंडरस्टैंड करते हैं अपन, तो लेट्स से ये आप लोगों का P1 है और ये है बच्चों आपका P2, दोनों पोलराइजर है और बीच में कहीं यहाँ पे उसने बाद में P3 रखा है। आप देख सकते हो कि ये P1 है, इससे परपेंडिकुलर इसका एक्सिस जा रहा है, देखो ओरिएंटेशन के फॉर्म में 90 डिग्री बना रहा है, ठीक बच्चों। तो यहाँ पे अगर अपन ने I0 पास कराया, तो इससे पास हो जाने के बाद अपने को पता होता है कि ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर ये अनपोलराइज आया, थ्योरी है बेसिकली एक अनपोलराइज आया, तो ये प्लेन पोलराइज हो जाएगा और इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। इसके बाद अपन फिर बाद में एनालाइजर वगैरह लगाते हैं और दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन ये तो कंसेप्ट हमेशा ही रहता है, अनपोलराइज से प्लेन पोलराइज हो जाएगा और हाफ हो जाएगा। अब बात करते हैं P3 ने क्या किया इसके साथ। तो P3 बच्चों इसका जो एक्सिस है ये बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है।
तो इसको एज अ रेफरेंस यहां तक लाना है अपन को, ठीक है, ना कि इसको लेना है। अब ये आप लोगों का रेफरेंस बन जाएगा, और यहां जो आंसर मिल रहा है अपन को इंटेंसिटी का इस स्टेप पे, वो हो जाएगा, जो इंटेंसिटी मिल रही है अपन को उसको लिखेंगे पुराना वाला इंटेंसिटी, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है, 1/√2 होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका I0/4। तो इस जगह पे आएगा अपना I0/4। पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आए ना, तो डायग्राम से सॉल्व किया करो आप। पहले I0 आया, I0 से I0/2 बना, ये यहां तक चल के आएगा, इसने I0/4 किया, और वही वैल्यू आपको यहाँ पे भी दिखाई देगी, ठीक। और ये लो, ये इससे 45 है, तो ये इससे भी क्या बन जाएगा बच्चों, 45 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितना आंसर आएगा, वो आएगा आपका, आई फाइनल में लिखता हूँ, ये हो जाएगा इसके जस्ट पहले वाला इंटेंसिटी, जो कि बच्चों I0/4 है, और फिर मलूस लॉ लग जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45। ये हाफ का टर्म है, अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ रहा है, I0/8, और यही आप लोगों का आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 सही जाना चाहिए। अगर प्लेसिंग सही से नहीं करोगे तो यहाँ पे लाके छोड़ दोगे आप लोग आंसर। ध्यान रखना, पहले ये हाफ हो जाता है, फिर एक और हाफ पड़ेगा, फिर एक और हाफ पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट है इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 175। एक पार्टिकल है जो SHM परफॉर्म करता है, और ये इसका एम्पलीट्यूड है, और कहता है जब 2 सेंटीमीटर पे रहेगा तो मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी का है वो बराबर कर दिया इसने एक्सिलरेशन के। हालांकि यूनिट वाइज तो ये दोनों टर्म अलग अलग कहलाती है, लेकिन यहाँ इसने मैग्नीट्यूड वर्ड यूज कर दिया है। अपने को बताना है टाइम पीरियड कितना होगा। पहले ये समझ लो कि ये पार्टिकल है, इसका मीन पोजिशन हो जाएगा, और ये क्या कर रहा है, 3 सेंटीमीटर के अक्रॉस SHM दे रहा है, मतलब ये हो जाएगा +3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये हो जाएगा -3 सेंटीमीटर। जब ये पार्टिकल बच्चों 2 सेंटीमीटर के अप्रोक्स में है कहीं पे, दैट मीन्स यहाँ पे है ना, लेट से ये 2 सेंटीमीटर पे है अभी, तो इस जगह पे ये दोनों मैग्नीट्यूड इक्वेट कर देना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेगेटिव में ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि पीछे की तरफ लग रहा होगा, और वी का फॉर्मूला होता है ओमेगा, जनरल फॉर्मूला, ये हो जाता है a² - x². दोनों के मैग्नीट्यूड को रिलेट करना है, घबराना मत, यहाँ पे कोई यूनिट की बात नहीं करी है। तो आंसर हो जाएगा अपना ω² x = ω, ठीक है, और रूट के अंदर आ रहा है बच्चों a² - x², एक कर लो कैंसिलेशन, ओमेगा होता है 2π/T, एक्स मतलब होता है उस जगह की पोजीशन, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो जाएगा 2 × 10²-2, और यहाँ बच रही है रूट के अंदर की वैल्यू, तो a² राइट, a² मतलब हो जाएगा 9, ठीक है, सेंटीमीटर की बात होगी तो 9 × 10²-4 आ जाएगा, -2 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4 × 10²-4, बाहर करोगे तो 10²-2 आएगा, इसको यहाँ से अलग कर लो, ठीक, कुछ रीअरेंजमेंट कर लोगे तो टी का टर्म कितना बन जाएगा बच्चों, 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये 4π/9-4, ये हो जाएगा 5, और ऑप्शन 2 अपना यहाँ से सही जा रहा है, ये टाइम है तो आंसर अपना सेकेंड्स में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन 176 देखते हैं। एक यूट्यूब दिया हुआ है अपन को डायग्राम में, दोनों एंड पे ओपन है, मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहे होंगे दोनों तरफ, और पार्शियली फिल्ड विथ वाटर एंड ऑयल, और इमिसिबल है, स्टैंडर्ड थ्योरी है, अपन कई बार इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर कहता है एक तरफ ऑयल एक तरफ वाटर है, पोर्ड ऑन वन साइड अंटिल द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर अबव द वाटर लेवल ऑन द अदर साइड, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का सेपरेशन मिल रहा है यहाँ पे। मीन वाइल द वाटर राइजेस बाय 65 mm फ्रॉम द ओरिजिनल लेवल, तो 65 mm तक रेस कर जाता है वाटर अपना ओरिजिनल लेवल से, राइट। तो कहता है डेंसिटी अपने को ऑयल की बतानी है, सिर्फ फाइनल वैल्यूज के बारे में सोचो, ऑयल का हेड पॉइंट यहाँ पे है और वाटर का हेड पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है बच्चों, इस एंड पे बस, और ज्यादा अपन को समझना नहीं इतना। इस एंड पे ऑयल है तो ये हो जाएगा रो ऑफ ऑयल, और इसके पास डेंसिटी पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रो ऑफ वाटर। लगा लेते हैं यहाँ पे अपन लोग पास्कल्स लॉ, प्रेशर एट इक्वल लेवल्स विल बी इक्वल,
सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट मार्क करना होता है, तो अपन इसको रेफरेंस पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर एट बी बराबर प्रेशर एट सी, जितना प्रेशर इस लोकेशन पे है उतना प्रेशर इस लोकेशन पे है। दोनों की इक्वेशन लिख देते हैं, जिसको डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं उससे अपन कर भी सकते हैं। बी पे लिखना होगा तो ऊपर से चल के आना होगा अपन को, तो बी पे प्रेशर हो जाएगा प्रेशर ऑफ एटमोसफेयर प्लस रो जी एच बराबर क्या हो जाएगा, सी पे बात करेंगे तो सरफेस से चल के आना होगा, तो ये हो जाएगा एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। कंडीशन बी किससे फिल्ड अप बच्चों, ऑयल से फिल्ड अप है, तो यहां पर ऑयल आएगा, जी आएगा और एच वन आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा वाटर है तो रो डब्ल्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा एच टू, ठीक है। इस वाले पॉइंट तक इसको मैं कैंसिल कर देता हूं और यहां पे जी भी कैंसिल हो जाता है। और ऐसे यूट्यूब वाले क्वेश्चंस में आप लिख सकते हो रो नॉट इंटू एच वन, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है और ये इस तरफ का मल्टीप्लीकेशन भी सामने आ जाता है, ये हो जाएगा रो डब्ल्यू इंटू एच टू। आउट ऑफ फोर तीन बातें मिली होंगी, एक पूछी गई होगी। इस लाइन से डायरेक्ट भी सॉल्व होता है अगर अपन ने क्वेश्चन पहले लगा रखा है तो, ठीक है, इतनी जरूरत ही नहीं तामझाम की, ये और ये सॉल्व हो जाएगा। रो ऑफ ऑयल अपन को पता करना है, ठीक है। रो ऑफ वाटर अपन को जानकारी होती है, 10^3 लिखते हैं अपन। एच टू मतलब यहां से यहां तक का अपन को हाइट लिखना है बच्चों, तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी जा रही है, अब देखो 65 + 65 यहां से काउंट कर लोगे तो हो जाएगा 130 और इस एंड से इस एंड तक होगा 65 + 10 ये हो जाएगा 140। इसको सॉल्व करोगे तो 1 से छोटी वैल्यू मिल रही है और अपन को 928 और ये केजी में आ गया क्योंकि मैंने 10^3 वाला यूज किया है, केजी पर मीटर क्यूब, ये रो ऑफ ऑयल हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जाएगा इसके लिए। सिंपल ये इक्वेशन यूज करनी है अपन को, और थ्योरी अब मैं नोट्स वगैरह बनाते हैं तो इसको जरूर लिखते हैं अपन जब भी YouTube से रिलेटेड पास्कल लॉ के क्वेश्चंस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम 177 में कहता है एक ड्रॉप को कंसीडर कर लो, 1 ग्राम का मास है और 1 किलोमीटर फॉल करा इसने, है ना। इट हिट्स द ग्राउंड विथ 50 m/s, ठीक है। फिर कहता है जी की वैल्यू कांस्टेंट लेनी है और अपन को बताना है वर्क डन ग्रेविटी ने कितना किया होगा और रजिस्टिव फोर्स ने कितना किया होगा। तो पहले अपन निकाल लेते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये असम्पशन में रखो कि बच्चों जिस डायरेक्शन में आप लोगों का एमजी लग रहा है ना, उसी डायरेक्शन में इसने ये हाइट 1 किलोमीटर का ट्रेवल किया है। जनरली ग्रेविटी क्वेश्चन में बच्चे वर्क डन नेगेटिव मान लेते हैं, यहाँ नहीं करना। डायरेक्शन देखो पहले आप, एमजी नीचे आ रहा है और यहीं से रेफरेंस लिया है अपन ने क्योंकि स्टार्ट मोशन यहाँ से हुआ है, नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो हो जाएगा एम इंटू जी इंटू एच। एम हो जाएगा 1 ग्राम्स तो माइनस में 3, जी की वैल्यू 10, हाइट हो जाएगा 1 किलोमीटर तो 10^3 इसको कैंसिल कर लेते हैं तो आंसर आया अपना 10 जूल्स जो कि प्लस में है और ग्रेविटी ने यहाँ काम किया है तो +10 जूल्स है ना। ऑप्शन में अपन को मालूम पड़ गया है कि +10 जूल्स के साथ बैठेगा, लेकिन अपन को रजिस्टिव फोर्स भी बताना है। रजिस्टिव का मतलब क्या होगा, फिर सोच के देखो इसको, ये जो रेन ड्रॉप है जब ये डाउनवर्ड मोशन कर रहा होगा, ठीक है, तो वर्क डन क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा और एक रजिस्टिव फोर्स बैकवर्ड भी लग रहा होगा, तब जाके इसकी जो वेलोसिटी है वो 50 बनी है, नहीं तो ज़्यादा होती है ना 1 किलोमीटर के हिसाब से अगर बात करें अपन तो। बट इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाएगी बच्चों को, तो सेकेंड केस अगर स्टडी करें और लिख लें यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम, तो क्या होता है, दुनिया में किसी ने भी काम किया हो वो किसके बराबर आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। और इनिशियली ड्रॉप को रेस्ट से मान के डाउनवर्ड भेजोगे तो चेंज कितने का हो जाएगा, 1/2 mv² और ये हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव। कोई प्लस माइनस कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है, दुनिया में कोई भी काम करेगा उसका फल काइनेटिक एनर्जी ले जाएगा। ये दिया हुआ है बच्चों 10, ठीक, ये अपन को फाइंड करना, ये हो जाएगा हाफ, मास का मतलब होता है 1 ग्राम और -3, ये हो जाएगा 50 और ये भी हो जाएगा 50।
आंसर हो रहा है अपना यहाँ पे, इसको कैंसिल आउट करूँगा तो माइनस वन बचेगा, ये आएगा 25 डिवाइड बाय 20 विच इज नथिंग बट 10 है, और यहाँ पे वर्क डन है। इसको सॉल्व कर लोगे ना बच्चों तो मिल जाएगा अपन को 5/4 विच इज 1.25। इसको इधर लाओगे तो वर्क डन रजिस्टिव का बनेगा नेगेटिव में 8.75 जूल्स, और हमारा आंसर सेकेंड वाला भी करेक्ट आ गया। फर्स्ट तो मिल ही रहा है अपन को और सेकेंड भी अपना सही है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है अपना, ये रेजिस्टेंस वाला वर्क डन हो जाएगा। और यहाँ अपन ने निकाला है ये ग्रेविटेशन वाला वर्क डन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम 178 है ना, एक्स और वाई किसी पार्टिकल के दे दिए अपन को इस पैटर्न पे, और दोनों के दोनों टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन दे दिए हैं। एक्स और वाई बोला है मीटर्स में है, टाइम सेकंड्स में है, अपने को एक्सेलरेशन बताना है टी इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर। एक्स और वाई राइट बच्चों दिए हुए हैं अपन को, तो लेट अस अज्यूम कि डिस्प्लेसमेंट है अपने पास, पहुंचना एक्सेलरेशन तक है, तो एक्स का टर्म बच्चों इस तरह से लिखा हुआ है 5t माइनस 2t स्क्वायर, और यहाँ पर वाई का टर्म दिया है 10t। यहाँ से दिख रहा है एक्स फंक्शन ऑफ टाइम है और यहाँ से वाई भी दिख रहा है फंक्शन ऑफ टाइम है। इन दोनों से अगर मैं वेलोसिटी पूछूंगा तो एक्स की क्या मिल जाएगी dx/dt, और वैसी वेलोसिटी वाई की क्या मिल जाएगी dy/dt। सिंपल सा है, शुरू यहीं से करना था अपन को बच्चों। इसको डिफ्रेंशिएट करो कितना आने वाला आंसर, सोचोगे तो क्या मिल रहा है 5 आएगा। ठीक है, टी तो यहाँ से 1 हो जाएगा और माइनस ऑफ ये हो जाएगा 4t, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ सीधा 10 मिल जाएगा। फिर अपन बात करेंगे कि एक्सेलरेशन भी x का चाहिए और y का चाहिए। ठीक है, उसका मतलब हो जाएगा dv/dt, और यहाँ पर भी हो जाएगा dv/dt। ध्यान दो x और y लिखा है, तो यहाँ भी x और यहाँ भी y आ जाएगा, राइट। इसको अगर अपन पढ़ेंगे तो ये तो कॉन्स्टेंट हो गया, तो यहाँ बचेगा माइनस ऑफ 4, और यहाँ क्या बचेगा, ये तो कॉन्स्टेंट 0 हो गया। दैट मीन्स y पे एक्सेलरेशन है नहीं, x पे कितना है माइनस 4, और यही वैल्यू आ रही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अपन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एक और मेथड से अगर अपन जाएं तो नेट एक्सेलरेशन लिखना होगा रूट के अंदर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, फिर अपन सॉल्व करते तो ये वैल्यू प्लस में आ जाती है अपने पास, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये अपन को 4 दे देता। ठीक है बच्चों, बट अपना यहीं पे आंसर मिल रहा है, ए एक्स का टर्म है नेगेटिव में है, ऑप्शन 3 सही है। अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 179 में बच्चों एक लॉन्ग सोलेनॉइड है अपने पास, इसका डायमीटर दिया हुआ है और टर्न्स भी दे रखे हैं, जैसे मान लो इसको मैं N1 बोल देता हूँ। ठीक है, फिर है कि इसके सेंटर पे एक और सोलेनॉइड है जो छोटा मान लो इसको, और 100 टर्न्स के साथ रेडियस काफ़ी कम है, देखो 0.1 है और 0.01 है, और एक्सिस कोइंसाइड करती है इस सोलेनॉइड के साथ, और जो करंट है वो रिड्यूस हो रहा है एक कांस्टेंट रेट के साथ। ये बच्चों जीरो पे आ रहा है अपने पास जीरो फ्रॉम 4 एम्पियर इन दिस पर्टिकुलर टाइम, मतलब नेगेटिव में है डेल्टा आई डिवाइड बाय डेल्टा टी, डिक्रीज हो रहा है ना, और रेजिस्टेंस भी दे दिया है इसने 10π2। हमें बोला है टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द कॉइल, ऐसा कुछ डायग्राम बनता है इसका, एक छोटा सा कॉइल या सोलेनॉइड अपन अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसका रेडियस अपन को दिया होता है 0.01, कुछ करंट है यहाँ पे 100 टर्न्स भी दे दिए हैं इसने, तो करंट वगैरह इसमें होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लेट अस अज्यूम हो जाएगी, और यहाँ एक बड़ी सी कॉइल इस तरह से होगी। ठीक, तो N1 का टर्म बच्चों 2×10⁴ है और N2 का टर्म तो 100 है। इस तरह के पैटर्न में इस वाले में चार्ज का टर्म देखें अगर अपन, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ डेल्टा फाई डिवाइड बाय आर। इसको और पैटर्न पे लिखते हैं क्योंकि यहाँ टी की जरूरत पड़ने वाली है अपन को, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी कर लेते हैं, 1/r लिख लेते हैं और यहाँ डेल्टा टी लिख लेते हैं। ठीक है,
यहां से चार्ज देखते हैं अपन लोग, तो डेल्टा क्यू का टर्म आ रहा है, इसको लिखना शुरू करो। फ्लक्स मतलब बी इंटू ए आ जाएगा, और बी का टर्म होता है म्यू नॉट एन वन एन टू, म्यू नॉट एन आई की जगह पे हो जाएगा डेल्टा आई, और नीचे डेल्टा टी का टर्म है, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ए, म्यू नॉट एन आई ए का टर्म ही बन रहा है ये, ठीक है। और बाकी के टर्म्स अपन एज इट इज लिख देते हैं, वन बाय आर है और डेल्टा टी का टर्म है, ठीक है। तो बच्चों आंसर कैसा मिल रहा है अपन को, नेगेटिव का टर्म है, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁷, एन वन है अपने पास 2 × 10⁴, देखो यहाँ लिखा हुआ है, और एन टू का टर्म है अपने पास 100। करंट में चेंज कितना हुआ है, 0 − 4, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, इस नेगेटिव से ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा, डिवाइड बाय 0.05, एरिया का मतलब होता है छोटे वाले का एरिया अपन को निकालना है, तो हो जाएगा पाए आर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा पाए आर का मतलब ये टर्म आ रही है, तो हो जाएगा 10⁻², और उसका भी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आर का टर्म होता है 10π², ये डेल्टा टी का मीनिंग है 0.05, इसको बच्चों अलग कर दो, यहाँ पे पाए भी लिखा हुआ है, तो एक पाए ये रहा और एक पाए ये रहा, और ये हो गया डेल्टा क्यू। मैथमेटिकली पूरा सॉल्व करोगे तो ये आसपास मिल जाएगा अपन को 32 μ³ पर, ठीक है, इतना चार्ज यहाँ पर मिल रहा है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ से सही जा रहा है। ये फॉर्मूला बहुत बेसिक सा है, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा फाइव बाय आर, इसको थोड़ा रीअरेंज किया अपन लोगों ने, उसके बाद ये टर्म लिखना शुरू कर दी। जब कपलिंग हो रही हो या एक कॉइल दूसरे कॉइल के अंदर रखा होता है, तो दोनों के दोनों टर्म्स माने जाते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 180 में एक कार्नोट इंजन है जिसका एफिशिएंसी 1/10 है, ठीक है, और इसको रेफ्रिजरेटर की तरह यूज कर रहा है, मतलब रिवर्स में चल रहा होगा ये, वर्क डन किया बच्चों अपन ने, सिस्टम पे किया है, ध्यान देना वर्क डन, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10, तो एनर्जी एब्जॉर्ब बतानी है लोअर टेम्परेचर से। पहले ये समझ लेते हैं कि काम किस तरह करेगा, तो एक रिजर्वायर होता है बच्चों और एक सिंक होता है, जैसे अपन बोले हाई टेम्परेचर पे T1 रखा रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा T2, और ये एक वर्किंग सब्सटेंस है जिस पे वर्क कराया जाता है। मैं वर्क यहाँ पे बनाऊंगा तो वर्क डन नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, तो वर्क डन किया अपन ने, तो इंजन क्या करेगा राइट हैंड साइड फ्लो करता है, दैट मीन्स वो रिजर्वायर जो हाई टेम्परेचर पर है उससे हीट ले करके लो पे ले जाता है काम करके, है ना, और ये हो जाएगा लो टेम्परेचर। और यहाँ कह दिया इसने कि कार्नोट का जो इंजन है उसको रेफ्रिजरेटर की तरह यूज कर रहा है, मतलब साइकिल ही पूरी उल्टी हो जाएगी बच्चों, और इसका नाम तो Q2 होता है, इसको अपन Q1 बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ हो जाता है वर्क। रेफ्रिजरेटर की लैंग्वेज में बीटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको बोलते हैं कितना इसने हीट निकाला होगा पर यूनिट साइकिल ऑफ वर्क डन, ठीक है, और जनरली अपन बीटा और ईटा को रिलेशन भी जानते हैं, बीटा का रिलेशन होता है 1 − ईटा / ईटा, दिस इज एफिशिएंसी, ठीक है। एग्जाम में इन दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट इक्वेट करना था और इतनी थ्योरी की बात ही नहीं करनी थी, ये हो जाएगा 1 माइनस, है ना, लिखा हुआ है अपने पास 1/10, तो 1/10 / 1/10, ये होगा 10 − 1, ये हो जाएगा 9, और 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो बीटा का टर्म बच्चों यहाँ से 9 मिल रहा है, मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, तो 9 = Q2/Q1 कितना किया है 10, तो आपको मिल रहा है Q2 = 90 joules, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। पेपर में आपको इस इक्वेशन का ये टर्म और इस इक्वेशन का ये टर्म डायरेक्ट इक्वेट करना था, मतलब 1 − ईटा / ईटा = Q2/W, वन लाइन आंसर, ठीक है। स्टूडेंट्स काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।